अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9, मैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कल की क्लास में हमने इस चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स अपनी क्लास पर कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो एक टाइटल पेज बना लिएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, और फिर आपके पास इस चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना होगा राइट अबाउट अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको लिखना है, इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आपने पहला सवाल लिखना होगा राइट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके आंसर में आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर की हेडिंग डालनी है, और आपने लिखना है वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटिंग थ्रू सेवरल मीन्स, द न्यूक्लियर रिएक्टर इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। In a nuclear power plant, atoms of elements such as uranium are split into smaller atoms. During this process, large amount of energy is released. This energy converts water into steam. This steam rotates turbines which are connected to electrical generator to produce electricity. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का आंसर हो गया जी। पहले सवाल का न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको लिखना था, तो आपने इसके बारे में आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी। बुक में ये डायग्राम मौजूद है, आप बुक से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा सवाल के आखिर में। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन नोट डाउन करना होगा। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन बायोटेक्नोलॉजी। इसके आंसर में आप लिखेंगे द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड पॉसिबल बाय अ साइंस नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग डालनी है, और उसके में उस हेडिंग के अंदर आपने लिखना होगा बायोटेक्नोलॉजी इज सर्विंग मैनकाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फूड्स, इट इज हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज पेंसिलिन, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, मीजल्स एक्सेट्रा। इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, इसके आपने आंसर को लिख लिया। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में मौजूद थे। तो आपके पास इस चैप्टर में 4 शॉर्ट नोट्स आए और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। अब इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।